हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम एक लाइव केस आपको दिखाएंगे कि फिशर का जो केस था वो लगभग 20 दिन में पूर्ण रूप से ठीक हो गया। फिशर क्या होता है, एक मॉडल ट्यूब से आप समझ सकते हैं। ये मॉडल है हमारे पास, ये एनल कैनाल है, ये डेंटेड लाइन है। डेंटेड लाइन के नीचे ये जो म्यूगोजा मेम्ब्रेन होती है, ऊपर नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, और हिल्टल लाइन के नीचे जो होती है स्ट्रेटिफाइड क्रिएटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। यहाँ पे टीयर हो जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस पिक्चर में। ये चार फिशर के मेरे पास पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। ये जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है टीयर है, यहाँ पे भी टीयर दिख रहा है, यहाँ पे भी टीयर दिख रहा है, यहाँ पे टीयर है। फिशर दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट फिशर में केवल आपको एक लॉन्गिट्यूडनल कट दिखेगा, एक लाल लाल एक लाइन दिखेगी। लॉन्गिट्यूडनल कट जो होता है, इसके जो स्किन के जो मार्जिन होते हैं वहाँ पर हार्ड इंड्यूरेटेड टिश्यू नहीं मिलेंगे, यानी जो इसके मार्जिन होते हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा एडमेटस नहीं होते हैं, यानी सूजे हुए नहीं होते हैं। नीचे स्किन टैग नहीं मिलेगी और ऊपर हाइपरट्रोफाइड पैपला नहीं मिलेंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको ये जो इसके मार्जिन हैं जो साइड के, वो इन्फ्लेम्ड हैं, बहुत ज़्यादा एडमेटस है, यानी सूजे हुए हैं। नीचे स्किन टैग मिल रही है और ऊपर हाइपरट्रोफाइड पैपला है, वो आपको दिख नहीं रहा क्योंकि वो अंदर होता है। वो डेंटेड लाइन के पास जो ये एनल वॉल्व होती हैं, एनल वॉल्व इसकी वजह से बनती हैं। तो इसमें जो चार पिक्चर देख रहे हैं, ये एक्यूट कंडीशन ऑफ क्रोनिक फिशर है, सॉरी एक्यूट कंडीशन ऑफ फिशर है, और ये तीनों क्रोनिक फिशर्स हैं क्योंकि यहाँ पे स्किन टैग्स आपको मिल रहे हैं। जो ये मार्जिनस हैं यहाँ पे देखिए, वो इंड्यूरेटेड है, यानी थोड़ा सा सूजे हुए हैं। हार्ड टिश्यू जब सूजते हैं उसको इंड्यूरेशन बोलते हैं। एडमेटस है, इन्फ्लेम्ड है, ठीक। तो ये फिशर है और आप अभी पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो फिशर का केस था बिफोर, जब हमने पेशेंट को देखा था, और जस्ट आफ्टर 20 डेज बाद आप देखिए पूर्ण रूप से ये हील हो चुका है। और अच्छी बात है कि इसमें इन स्फिंक्टर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, पूरी स्किन पूर्ण रूप से ठीक हो चुकी है। फिशर में एक बहुत बड़ी समस्या होती है, पेन बहुत होता है पेशेंट को। पेन क्यों होता है, क्योंकि जो डेंटेड लाइन के नीचे जो अभी मैंने आपको बताया, ये स्क्वैमस एपिथेलियम होती है। हिल्टल लाइन के ऊपर जो होती है वो नॉन क्रिएटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, हिल्टल लाइन के नीचे क्रिएटिनाइज होती है। यहाँ पे जो नर्व होती हैं वो सोमेटिक नर्व का इनर्वेशन होता है। सोमेटिक नर्व जो होती है बहुत पेनफुल होती है, टेम्परेचर और पेन को बहुत मतलब टेम्परेचर और पेन को सेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और डेंटेड लाइन के ऊपर अगर टीयर हो भी जाए, मान लो कट लग भी जाए, तो आपको नहीं पता चलेगा, यानी आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, यानी पेन और टेम्परेचर फील नहीं होगा, क्योंकि डेंटेड लाइन के ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इनर्वेशन होता है। तो जो फिशर के पेशेंट होते हैं उनमें छारसूत्र विधि बहुत ही अच्छी थेरेपी है। इसमें स्फिंक्टर्स जो हमारे होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर, एक्सटर्नल स्फिंक्टर, इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचता है। कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद मलद्वार छोटा हो गया है, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाज्म डेवलप हो गया है, तो छारसूत में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे स्ट्रिक्चर्स नहीं बनते हैं, यानी मलद्वार बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होने पाता है, और हमारे बिना किसी स्फिंक्टर को नुकसान पहुँचाए फिशर को पूर्ण रूप से लगभग 20 से 25 दिन में पूर्ण रूप से ठीक किया जा सकता है। थैंक यू।